तो ट्रेलर है भाई, जिस दिन ये जीन वाले कहेंगे यही भाई जलसा होगा, रैली होगी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली होगी। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाली जींद की धरती से आज कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 23 विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और मंच से सरकार के खिलाफ ऐसी हुंकार भरी कि प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाटलैंड जींद में यह जनसभा की और इस दौरान सरकार को खुल्लम खुल्ला चेतावनी तक दे डाली। हुड्डा ने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, जिस दिन कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद जींद में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली होगी, जिसके बाद पूरे देश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जी, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, हमारा कार्यक्रम जो बताया वो था, ये तो ट्रेलर है भाई, जिस दिन ये जींद वाले कहेंगे यही भाई जलसा होगा, रैली होगी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली होगी। जब ये थोड़ा कोरोना से इजाजत मिल जाएगी और जिस दिन हम रैली करेंगे, पहली रैली सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जींद में करेंगे और यहाँ से आवाज पूरे देश में जाएगी किसान की मजदूर की। आज क्या हाल ही निकम्मी सरकार, इतनी भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार जो जिस प्रकार से फैला हुआ है, हमने सरकार कभी सुनी नहीं है भाई। आई है भ्रष्टाचार, पहले हुए हैं हर चीज में भ्रष्टाचार। वो बता रहा था गरीब आदमी पैसे लेके वो के कागज दे दे और फिर कर दे, अभी आपके सामने ही कह रहा था। बहुत सारे साथियों ने अपने अपनी बात कही भाई, मैं जितने मेरे साथी हैं जींद के संघर्ष के, देखो एक बात साफ है, जैसे मैंने कहा कि पहला बड़ा जलसा जींद में करेंगे हम, पूरे देश का सबसे बड़ा, और यहाँ से आशीर्वाद होगा तो भाई किसी के रोक के मैं नहीं रुकूंगा, बताओ जींद। विधानसभा में कांग्रेस के मौजूद आए 31 विधायकों में से 23 विधायक हुड्डा के शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान हुड्डा ने जहां जनता की समस्याएं सुनी, वहीं कांग्रेस विधायकों ने भी जमकर हल्ला बोला। हुड्डा ने कहा कि हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का नहीं बल्कि वातावरण बदलने का है, क्योंकि पूरा वातावरण प्रदूषित हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पर हो गया है। किसानों को फसलों की MSP नहीं मिल रही है और हर चीज पर टैक्स वसूला जा रहा है। ऐसे में मौजूदा सरकार से दुखी हर वर्ग को साथ लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। संघर्ष पूरी व्यवस्था और वातावरण बदलने का है। आज हमारा प्रदेश का वातावरण बिल्कुल दूषित हो चुका है, आज हमारे प्रदेश की व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो आज कोई भी वर्ग इस सरकार से, मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं है ना। क्यों? क्या किसान को देखो, आज किसान की दुर्दशा है, आपको मालूम है आज लागत कितनी बढ़ रही है और आमदनी कितनी घट रही है। किसान को आज MSP नहीं मिलता है, बाजरे में देख लिया आपने, PR धान में देख लिया, जब फसल जुटती पिटती है लेकिन टैक्स सब पर लगा दिया, टैक्स सब पर लगा दिया। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया पूरे देश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। उधर कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार के खिलाफ जमकर दहाड़ लगाई। दीपेंद्र हुड्डा ने JJP नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग चुनाव में भाजपा को जमुना पार कराने का दावा करते थे, मगर सत्ता सुख के लिए इन्होंने जनता से विश्वासघात कर दिया और भाजपा की ही गोद में जाकर बैठ गए। जब JJP पार्टी के उम्मीदवार उतारे गए तो क्या उन्होंने ये कह के वोट मांगी कि भाजपा की सरकार दोबारा बनाएंगे, या ये कह के वोट मांगी कि भाजपा को जमुना पार भगाएंगे? अगर वो ये कहते कि दोबारा से खट्टर साहब की सरकार बनाएंगे चंडीगढ़ में, हमें एक एक वोट दो, हम जाके दोबारा से भाजपा की सरकार बनाएंगे, तो एक सीट इनको मिलने नहीं वाली थी। लेकिन वोट ली भाजपा के खिलाफ, वोट ली खट्टर साहब के खिलाफ और जाकर उनका उनकी सरकार बनाने का, अपने मतदाता से विश्वासघात। राजनीति में कुछ नैतिकता के कोई मूल्य होते हैं।
बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में जनसभा से पहले 10 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल के निर्वाचन क्षेत्र करनाल से भी सबसे पहले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया था और अब दूसरी बार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की विधानसभा वाले जिले में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। हुड्डा ने जींद में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली करने का दावा करके विरोधी दलों और सरकार को बड़ी चुनौती दे दी है। ऐसे में देखना होगा कि हुड्डा की हुंकार से हरियाणा की सियासत में कितनी हलचल होती है। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।